क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? हमारी शादी हो चुकी है और पति पत्नी का रिश्ता, अगर पति पत्नी का रिश्ता यही है तो ठीक है। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? शादी सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं, मन का मिलन है, आत्मा का रिश्ता है। जब से हमारी शादी हुई है मैं ये महसूस कर रहा हूं कि तुम वो नंदिनी हो ही नहीं जिसे मैंने पहली बार देखा था। What is the matter with you? क्या ये शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई गई या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं या फिर कुछ और? बोलो नंदिनी, बोलो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और इस रिश्ते के बोझ को हम सारी जिंदगी उठाते रहे। बोलो, देखो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं। नंदिनी सच बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोलो नंदिनी। खामोशी से कुछ हासिल नहीं होगा। भैया, भैया, भैया दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा। और वो भाभी दरवाजा खोलो। भाभी, भाभी अलार्म बंद करो वरना पड़ोसी जाग जाएंगे। और अगर मेरे भैया तुम्हें फिर से तंग करें ना, तो उन्हें कहना पूजा का समय हो गया है। नहाकर जल्दी से आ जाओ। बस यू गई और यू आई। हाँ, जल्दी आ जाना भाभी। नंदिनी बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम चलोगी? नहीं, आप जाइए। अच्छा। झूठ बर्दाश्त नहीं है। कहा था मैंने तुमसे, तुम्हें कोई हक नहीं था मुझे और मेरे खानदान को इस तरह जलील करने का। तुम यहां नहीं रह सकती, चलो चलो। ये क्या कर रहे हो आप? मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज प्लीज, कहां ले जा रहे हो आप? तुम्हें दिखाई नहीं दी, पागलों की तरह दौड़ रही थी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। आज सिर्फ आपकी वजह से मैंने समीर को खो दिया है। मेरी वजह से? शुक्र करो कि आज तुम बच गई, वरना ट्रैम के नीचे मर ही जाती ना। मर जाती तो मर जाती, आपका क्या जाता? हाँ, कुछ नहीं जाता मेरा। एक बात समझ लो, जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचा देता, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। किसने सौंपी थी आपको जिम्मेदारी? किसने कहा था आपसे कि मुझे यहाँ ले आए? और फिर क्या रिश्ता है हमारा? राजेश की कोई पहचान है नहीं, कोई नाम। क्यों भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्यों सभी से मिलाने का ये झूठा खेल खेल रहे हैं आप? यही जताना चाहते हैं ना आप कि आप कितने महान हैं, भगवान हैं आप? नहीं चाहिए मुझे भगवान। भगवान भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं। I am suffering every minute. You know why? क्योंकि तुम तकलीफ में हो और जिसे तुम खेल समझ रही हो उस खेल में दोनों तरफ से हार मेरी है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम क्या जानो प्यार क्या होता है। सुनो, टीसी आ गया है, हमारे पास टिकट भी नहीं है। याद है उस दिन ट्रेन में टीसी उन दोनों से टिकट भी नहीं मांग पाया था। ट्रेन में क्या वो
क्या वो हमारी तरफ आ रहा है? आ रहा है। Kérem a jegyeket és a bérleteket. May I see your ticket, please? Excuse me! May I see your ticket, please? Isten! Madam, sir, your ticket, please? Your ticket, please! Ha! Azt hiszik, hogy azért, mert szerelmesek, már nem kell jegyet venni nekik. A vonaljegy mindenkire érvényes. Elképesztő, minden becsületes ember megveszi a jegyét, ezek meg külföldiek azt hiszik, hogy nem kell jegy neki. Csókolóznak! Mit képzelnek ezek? Ha! Még ilyet nem láttam, 20 éve dolgozom a szakmában, de ebben még nem találkoztam. क्या मैं तुमसे एक बात कहूं? क्या? कुछ नहीं। जानती हो, तुम बहुत अच्छा नाचती हो। आज बहुत मजा आया। वनराज, लेकिन मैं भी बहुत अच्छा नाचता हूँ। नाचता के नहीं। लेकिन क्या मैं तुमसे एक बात कहूं? कुछ नहीं। रो 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 रो। You know, मैं उससे मिला, बहुत अच्छा है वो, हमेशा खुश रखेगा तुम्हें, शायद मुझसे ज्यादा, शायद नहीं, मुझसे ज्यादा खुश रखेगा वो तुम्हें। लेकिन एक बात कहूं? क्या? कुछ नहीं। You know, जब तुम चली जाओगी, I'll be a happy man. मिलने आऊंगा मैं तुमसे, बहुत खुशी होगी मुझे तुम लोगों से मिलके। ए, come here, come here, come here. वो उस प्रेत से पुकारूंगा मैं तुम्हें, मेरी आवाज पहचानोगी ना तुम? पहचानोगी ना मेरी आवाज? तुम जरूर पहचानोगी मेरी आवाज। हे कम ऑन कम ऑन, एक हाथ चुनो, कम ऑन कम ऑन, हाथ चुनो। मैं हमेशा से जानता था कि जमीर तुम्हारा होगा। अगर तुम ये हाथ भी चुनती ना, तब भी समीर तुम्हारा होता। लेकिन एक बात कहूं, कुछ नहीं। पारो, लगता है देवता साया। देवता, क्या बना चो भालू तो? आ बेटा, आओ आओ, आ रे चित्र सूट में तो एकदम अंग्रेज लग रहे हो तुम। हम सब तो तरस रहे थे तुम्हें देखने के लिए। कौशल्या दीदी तो बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पारो कहाँ है? अरे अभी अभी तो गई थी, न जाने कहाँ चली गई पगली। कह रही थी जब देव आएगा तो ये करूंगी वो करूंगी, यूं लड़ पड़ूंगी, यूं नोच लूंगी। और अब जब तू आ ही गया है तो ऊपर छुपकर बैठी है। ए पारो, मैं ऊपर जाऊं? हाँ हाँ बेटा, जा जा, तू ही जाकर मिल ले उससे।
কেমন আছো পারো? বহুত দিনো বাদ মিলে হাম, পলট কর দেখোগে নেই মেরা চেহারা। দিন তোমারে লিয়ে দিন হোগে, মেরে লিয়ে তো 10 সাল 6 মহিনে 4 দিন আর 3 মিনিট। তুমি হাম কবি ইয়াদ নেই আয়ে? হ্যাঁ পারো। ঝুট, 10 সাল আর সিরফ 5 চিঠি, সাল মে মৌসুম ভি 4 হোতে হ্যায়, কম সে কম হর মৌসুম কি এক চিঠি তো লিখি হোতি। আব কুছ সমঝদারি কি বাতে করনে লাগি হো, তুম বড়ি হো গই হো পারো। अगर सागर सामने हो तो झरने को नदी बनने में क्या देर लगती है? तो फिर अपना चेहरा दिखाने में इतनी देर क्यों? आज इतने सालों बाद ही चांद खिला है, डर था कहीं तुम्हारे होश ना उड़ा दे। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता उस चांद पर दाग जो है? तो ठीक है बारो, आसमान में चांद खिलने के बाद ही देखेंगे तुम्हारा चेहरा, देखे कौन होश उड़ाता है, उस चांद का नूर या तुम्हारा कौन। पारो, तुम्हें कोई और छुए मुझे अच्छा नहीं लगता। आज चांद जमीन पर कैसे उतर आया? तुम्हारे होश उड़ाने। ये क्या है? अपना अंदाज आजमा रही हूँ। ठीक रहा। गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? तुम्हें बचपन से जो जानती हूँ। या। ये क्या है? थाली। थाली है, मुझको भी मालूम है, लेकिन इसमें है क्या? बहाना। ए, मेरे लिए संदेश है ना? देख लो। ये तो खाली, इसीलिए तो बहाना है बुद्धू। उरी बाबा, ए तो राग रूठ ना तो कोई तुमसे सीखे देव, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। तुम भी तो बिल्कुल वैसे की वैसे हो। कैसी? कमार। हाँ, अब तो हम सब गवार ही लगेंगे ना, लंदन से जो पढ़कर आए हो। वैसे
लंदन बहुत बड़ा शहर है ना देव? लंदन की बात ही कुछ और है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें, एंड एंड ट्रफाल्गर स्क्वायर, पिजन्स, कबूतर, रानी का महल, और जिधर देखो बस चहल पहल। Do you know, पारो, लंदन के लोग अपनी दुनिया में ही मस्त हैं। और तुम? Of course, you are so silly. Mention not. अच्छा देव, एक बात बताओ, तुम्हें कभी गांव की याद नहीं आती थी? कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी 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 मैस का खाना खा के दिल उब जाता था तो माँ की रोटियों की याद आ जाती थी, बस that's it. वहां कोई डांटता था लंदन में तो बाबूजी की याद आ जाती थी, और कुछ नहीं। शाम को घूमने को निकलता था तो धर्मदा की बग्गी की, और रात को नींद नहीं आती थी तो बड़ी माँ की थपकियां, बस। देव, और क्या? मैं कभी नहीं, एक बार हल्की सी। तुम्हारी कभी याद नहीं आई पारो? सच देव, मैं कभी याद नहीं आई? बात तो वो याद रहती ना पारो जिस बात में कोई बात हो, लेकिन तुम में तो कोई बात है ही नहीं ना। सच कहा देव, बात तो सिर्फ तुम में है। या इसीलिए तुम्हारी लिखी उन 5 चिट्ठियों को दिन में मैं 5-5 बार पढ़ती थी, तो साल में कितनी बार पढ़ ली होंगी देव? अगर और 10 साल में तो 2 बार से उसको अगर 18,250 बार। और तुम में इतनी बात है देव कि 10 साल पहले तुम्हारे नाम का दिया जला था मैंने और उसे आज तक बुझने नहीं दिया। वो कितने घंटों से चल रहा है जानते हो तुम? अगर हम हिसाब लगाएंगे तो 87,600। और तुम्हें इतनी बात है देव कि दिन के हर पल में मैं तुम्हें याद करती थी। दिन में पल कितने होते हैं देव जानते हो? मुझे पता है, मैं बताता हूँ। हिसाब के बड़े कच्चे हो तुम। पार, एक बात होती थी तब तुम बहुत याद आती थी। कब? जब जब मैं सांस लेता था तब तो। इश। या तो वो आते जिन्हें बुलाया जा सकता हो। कमाल, कितनी आसानी से गिनवाती है कि तुम्हें हर पल मेरी याद आती थी, लेकिन ये नहीं सोचो कि उन पलों में बीतता तो मैं ही दिया तुम चला देते, पर चलता तुम ही था। क्यों? ए पारो, ए पारो, सत्तासी हजार